हैव यू सीन दिस डिप्स? एक्चुअली डिप्स नहीं, झूला है, जो कि 100 में से 90% पीपल यही करते हैं। अगर आप इसमें 100 परफॉर्म करेंगे रेपिटेशन, 200 परफॉर्म करेंगे, 1000 तक परफॉर्म कर लेंगे तो तब भी मसल्टी बढ़ना है सर। खैर, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इस चैनल। आपने अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। आज हमारा टॉपिक है कैसे हम पुशअप को सही तरीके से लगाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो हमारी मिस्टेक रहती है वो बिगनर रहती है। अगर आप बिगनर हैं, आपने अभी 1-2 महीना हुआ आपको जिम ज्वाइन करते हुए, तो ही हम ऐसे पुशअप लगाते हैं। नॉट टू वरी, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बिगनर हैं, आपके आर्म्स में स्टेबिलिटी नहीं है, एक आपकी बॉडी को हैंडल करने की हिम्मत नहीं है, स्टार्टिंग में सबके पास होती है। आज मैंने जिम ज्वाइन करा था तब मुझे भी ये प्रॉब्लम था। धीरे धीरे हाथों में स्टेबिलिटी आती है आपके बॉडी वेट को हैंडल करने की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप बिगनर हैं तो हमें इस टाइप से पुशअप लगा सकते हैं। हमारा जो हाथों का पोजीशन है वो शोल्डर लेंथ पे रहेगी। आप लेग्स को ऐसे नहीं रखते हुए अपने नी के बल पे रख सकते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो हमने बात करी है बिगनर्स के लिए, जिन्हें 1-2 महीना हुआ है जिम ज्वाइन करे, उनके लिए बेस्ट पुशअप है। आप इसको डेली ट्राई ट्राई करेंगे तो आपको 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद आपको आपके हाथों में बॉडी को वेट करने, आपकी बॉडी को हैंडल करने की ताकत आ जाएगी। अब हम सेकंड बात करते हैं कि पुशअप कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हाथों का प्लेसमेंट रहेगा जो कि शोल्डर ब्रेथ के हिसाब से रहेगा। लेग्स ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे, ज़्यादा चौड़े नहीं रहेंगे। ठीक है, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपकी बॉडी है ना, आपकी जो छाती है वो जमीन तक टच होना चाहिए, जमीन से 1 इंच ऊपर होना चाहिए। तो ये प्रॉपर फॉर्म है पुशअप लगाने का। आपके बाइसेप्स से आपके दोनों चेस्ट मसल है वो स्क्वीज होंगे। ये थी आपकी चेस्ट की मसल पुशअप। अब हम बात करेंगे शोल्डर के लिए। शोल्डर में लेंथ थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, सेम रहता है। अब शोल्डर पे लोड आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये फॉर्म शोल्डर का था। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पर बताइए। मैं आशा करता हूँ कि आप इसी मिस्टेक अब नहीं करेंगे पुशअप लगाते वक्त। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे कुछ मिस्टेक्स वीडियो को लेकर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इस चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इट्स इंस्टाग्राम। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए खुद का, अपने घर वालों का। गुड बाय, टेक केयर।